मतलब इस गाड़ी में आपको सनरूफ तक नहीं मिलता। सिग्मा से ये लगभग 1,00,000 रुपए महंगी है। थर्ड लैंप सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको फिर घटिया तरीके से रैप किया गया। अब देखो पैसे लेके भी ये घटिया काम किया तो मैं तो भाई ओपनली बोल देता, मुझे शोरूम वालों से डरने लगते। सो गाइस फाइनली आज हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी बलेनो। भाई ये बारिश देख के तो लगता है सारा काम बिगाड़ देगी, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है बारिश की वजह से। तो इस बारिश में भीग के वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कम से कम 10,000 लाइक पूरा कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो टॉपिक पर वापस आते हैं भाइयों, ये है मारुति सुजुकी बलेनो, ये इसका डेल्टा वेरिएंट रहने वाला है जो कि सबसे ज्यादा सेल भी होता है। अभी देखो दोस्तों इस गाड़ी का रिव्यू करने का पीछे मेरा मोटो क्या है। अभी पिछले मंथ ये गाड़ी लगभग 19,000 यूनिट बिकी है, तो किसी भी गाड़ी का 19,000 यूनिट बेचना आसान बात तो नहीं है। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन के बाद भी मतलब इस गाड़ी में आपको सनरूफ तक नहीं मिलता, उसके बाद में यहाँ पर इतनी अच्छी सेलिंग हो रही है। जबकि अल्ट्रोस देखो या फिर i20 देखो तो उसकी सेल कितनी अच्छी है, फिर भी वो इसे कॉम्पीट नहीं कर पाती है। आखिर क्या है इस गाड़ी में वो हम देखेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। प्राइसिंग की बात करें तो इसका डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट का प्राइस आपको 7.5 लाख पड़ता है। बिल्कुल ठीक सुना, अगर आप इसका सिग्मा वेरिएंट लो जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसमें आप एक इंफोटेनमेंट स्पीकर और एलॉयस लगा लो तो आप कोई बोल ही नहीं सकता है कि वो बेस वेरिएंट है। सिग्मा से ये लगभग 1,00,000 रुपए महंगी है, तो 1,00,000 रुपए आप प्राइस एक्स्ट्रा देके क्या मिलता है वो भी हम देखेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है, फिर भी रिव्यू करना तो बनता है, इसलिए वीडियो में एंड तक बनी रहो। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पर कोई आपको DRL नहीं मिलेगा, ये बस क्रोम फिनिश दी गई है। और यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी नहीं मिलता है, फॉग लैंप एक्सेसरी का पार्ट है। इस गाड़ी में काफी सारे एक्सेसरीज लगाए गए हैं। एक्सेसरी का कॉस्ट कितना है मैं आपको नीचे लिख के दे दूंगा। यहाँ पर आपको क्रोम सी ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर सुजुकी का लोगो, ग्रिल काफी छोटा है, नीचे आपको स्ट्रेट प्लेट सॉर्ट ऑफ लुक नहीं, बस एक नॉर्मल बम्पर ही रखा गया। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश जो देख रहे हो ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। तो फ्रंट से तो हमने सब बात कर ली। देखो गाड़ी देखने में कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, इसलिए तो लोग खरीदते हैं, वरना लोग पागल तो है नहीं जो खरीदेंगे। बाकी गाड़ी के लुक सच में अच्छी लगती है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं लेकिन यहाँ पर अलॉय फिट किया गया जो कि एक्सेसरी का पार्ट है। अगेन 7.5 लाख के ऊपर में भी एक्सेसरी लगाया गया है। यहाँ पर आपको टायर साइज की बात करें तो 185, 65, 15 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, एलॉय एक्सेसरी का पार्ट है जो कि मारुति का ऑफिशियल जेन्युइन एक्सेसरी में आता है। ORBMs आपको मिल जाएंगे, इंडिकेटर यहीं पर रखा गया, बेस वेरिएंट में आपको फेंडर पर इंडिकेटर मिलेगा। डोर वाइजर्स आर एक्सेसरी पार्ट, यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी गैप, मतलब डोर हैंडल के ऊपर में क्रोम लगा दिया गया है, ये भी आपको एक्सेसरी का पार्ट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा रखा गया, पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, बस आगे मिलता है। और पीछे का प्रोफाइल देखें तो पीछे तो गाड़ी अच्छी लगती है, कोई डाउट इसमें नहीं है। बलेनो की बैजिंग आपको पीछे मिल जाती है, LED टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, डिक्की गार्निश, पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। और कैमरा नहीं मिलेगा, कैमरा आप एक्सेसरी से लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील रिम्स खुले गए हैं, एलॉय लगा दिया गया है और पहले का जो स्टील रिम्स आता था वो स्टील रिम्स उठा के इसमें रख दिया गया। बूट स्पेस की बात करें तो 300+ लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, कितना है आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। कोई भी इसमें लाइटिंग आपको नहीं मिलेगी, लाइटिंग आपको आफ्टर मार्केट खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है। वेरिएंट्स की बात करें तो टोटल इसमें आपको सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपके स्क्रीन पर शो होंगे। नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्पन एंटीना इस वेरिएंट से नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप ये मारुति की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप आके खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। मतलब आपको जल्दी गाड़ी मिल जाएगी और कोई भी इसमें आपको वेटिंग और थोड़ा मोड़ा मेरा नाम ले लेना है तो डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये कुछ है गाड़ी की ओवरऑल लुक, देखने में गाड़ी एक अच्छे हैचबैक लगती है। लेकिन मेरा सवाल ये है इसमें इतने सारे फीचर्स आते नहीं फिर भी इतनी अच्छी बैठी। अभी पीछे का स्पेस जाके देखते हैं, पीछे मतलब कितना स्पेस मिलता है। डोर को करते हैं बंद वरना बारिश में पूरे भीग जाएंगे, ऐसे भी भीजी गए हैं। तो देखो लेगरूम हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम कुछ इतना मिलता है, पूरा बारिश में भीज गए हूँ यारो, एक लाइक कर देना कम से कम। डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम आप कुछ इस तरह का देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैट फिनिश में ही डोर हैंडल दिया गया है, कोई क्रोम नहीं मिलेगा, वो आपको जेटा वेरिएंट से मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा ब्लू ब्लू ट्रीटमेंट दिया गया जो कि नेक्सा ब्लू मारुति का है। आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, स्पीकर्स मिल जाएंगे, ट्विटर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। और ये जो आप लेदर सीट्स देख रहे हो ये लेदर सीट भी एक्सेसरी का पार्ट रखे गए हैं। एंड गाइस अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, लेगरूम इज ऑल्सो गुड। एंड अगर तीन लोग बैठने की बात करें तो ये तीन लोग इसमें आप बैठ सकते हो, बस लंबी जर्नी में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्योंकि इसका सेंट्रल हब थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। 12B पावर सॉकेट आपको एक मिल जाता है पीछे, यहाँ पर कोई यहाँ पर आपको AC वेंट नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए था। और ये एक्सेसरी पार्ट में यहाँ पर आपको थोड़ी मोड़ी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, एक कैबिन लैंप पीछे मिल जाता है।
और यहाँ पर आपको एक कोट हैंगर भी मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी सनशेड नहीं मिलेंगे और ना ही सनरूफ मिलेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना यार, सनरूफ ना देके भी तुम लोग इतना अच्छे सेल कर रहे हो कैसे। आप जाके इसका इंजन बे देख लेते हैं। यह है मारुति का 1.2 का NA इंजन। पावर की बात करें तो इसमें आपको लगभग 80 bhp के आसपास का पावर मिल जाता है एंड 115 Nm तक का टॉर्क मिल जाता है। चलो इंजन तो ठीक है, चार सिलेंडर इंजन है, पावर टू वेट का भी इसमें फर्क पड़ता है थोड़ा। और इसके अगर माइलेज की बात करें तो 20 kmpl तक की ARAI क्लेम माइलेज मिलती है। बिल्ड क्वालिटी पहले से थोड़ी इंप्रूव्ड हुई है मारुति के अकॉर्डिंग, फिर भी अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट की स्कोप है। सो फाइनली अब आ गए हैं इसके अंदर। आपके कान को शांति मिले ना, बिल्कुल मेरे कान को भी इस तरह से शांति मिले। क्या करें, मारुति का स्टॉक यार्ड है, एनी टाइम हर वक्त मतलब बिजी रहता है ये लोग। यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो डोर ट्रिम आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ब्लू फिनिश मिलती है। कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा लेकिन यहाँ पर ब्लैक ब्लू, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आपको पूरी रफ ब्लैक फिनिश मिलती है। ORVM एडजस्ट की बात करें एंड यस, आप यहाँ से ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हो। डेल्टा वेरियंट से आपको फोल्डेबल ORVM तो मिल जाते हैं। वन टच ड्राइवर साइड, आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको वन टच डाउन मिलेगा। यहाँ पर आपको चार स्पीकर्स मिल जाते हैं, कोई ट्विटर इसमें आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, 3 पेडल्स मिल जाते हैं, एक डेड पेडल भी दिया गया है। यहाँ से आप फ्यूल लीड खोल सकते हो। और आप बेस वेरिएंट से मारुति की हर कार में ट्रैक्शनल कंट्रोल का बटन मिल जाता है। ये आपको फॉग लैंप का बटन, यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ फिनिश मिल जाती है। ये आपको सिल्वर सी फिनिश मिल जाती है। काफी सारे फिनिश इसमें दिए गए हैं। ये स्टेयरिंग रैप जो आप देख रहे हो काफी घटिया तरीके से रैप किया गया। देखो मेरे अंदर का क्या बात है ना, अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको फुल मतलब ये मिलनी चाहिए। कि आप देखो पैसे लेके भी ये घटिया काम किया तो मैं तो भाई ओपनली बोल देता, मुझे शोरूम वालों से डरने लगते। हाँ मैं शोरूम में आके वीडियो बना आता हूँ फिर भी मुझे डर नहीं लगता। अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आप बिल्कुल इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो और थोड़ी अच्छी फिनिशिंग दे सकते हो। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट एंड टेलीमेट्रिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो तो इस डंडी से आप इसका इल्यूमिनेशन सेट करोगे एंड इस डंडी से आप ट्रिप व्हिप सेट करोगे। यहाँ पर आपको 8000 तक की RPM, 220 तक की स्पीड एंड माइलेज वाइलेज ट्रिप ट्रिप भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इन डंडियों को हटा के कम से कम वो दे देना चाहिए यहाँ पर जो स्टीयरिंग पर कंट्रोल आते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो ओनली यू कैन एडजस्ट टिल्ट नॉट टेलीस्कोपिक। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इसका इंफोटेनमेंट मिलता है। डेल्टा वेरिएंट से आपको इंफोटेनमेंट भी मिल जाता है, ये एक अच्छी बात रखी गई है। लेकिन ये आपको स्मार्ट प्रो वाला मिलेगा, स्मार्ट प्रो प्लस वाला नहीं मिलेगा, जो कि सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलता है। चलो ठीक है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट करता है, ये एक अच्छी बात है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना अगर आप डेल्टा लो उसमें थोड़ा मोड़ा बाहर से चीज लगवा सको तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा कंपेयर टू डेल्टा। लेकिन चलो लोग झमेला लेना नहीं चाहते इसलिए खरीद लेते हैं, उससे लगभग ये 1 लाख रुपए ज्यादा कॉस्ट करती है। अब 1 लाख रुपए कॉस्ट में आपको क्या क्या मिलता है आप गिनते रहना, लास्ट में तो मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक रहना। यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक एंड कोई भी आर्मरेस्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। सीट कवर की फिनिशिंग काफी अच्छी की है इन्होंने, चलो ब्लू फिनिश अच्छा तो लगता है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, ग्लव बॉक्स आपको ठीक ठाक मिलता है, कोई ज्यादा डीप है नहीं। यहाँ पर आपको फाइल वाइल रख सकते हो। ये जो आप ब्लू फिनिश देख रहे हो ये भी प्लास्टिक का पार्ट है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश, यहाँ पर ऊपर में आपको ब्लैक फिनिश मिल जाती है। को ड्राइवर साइड आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, ड्राइवर साइड कोई भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैबिन लैंप्स कुछ आपको इस तरह के मिलते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रो एक मिल जाती है, पीछे भी आपको एक कैबिन लैंप दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें दोस्तों तो सेफ्टी फीचर्स के नाम पर इसमें आपको ABS/EBD, डुअल एयरबैग, ट्रैक्शनल कंट्रोल और इतने सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। देखो गाड़ी अगर हर महीने 19-20 हज़ार यूनिट्स बिक रही है और अगर आपने भी सर्च करके आई थिंक ये वीडियो देखा होगा तो कोई तो दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर कंपेयर करो i20 एंड अल्ट्रोस से तो अल्ट्रोस में और क्या नाम था उसका i20 दोनों के बेस वेरिएंट से आपको सनरूफ का एक ऑप्शनल पैक मिल जाता है। मारुति तो कोई सनरूफ नहीं देती, तो जहां तक मुझे आइडिया ये गाड़ी अपने रिलायबिलिटी एंड अपने प्राइसिंग पर ही बिकती है। देखो प्राइसिंग इसका बेस वेरिएंट का अच्छा है, बाकी और कोई वेरिएंट अगर आप लो तो थोड़ा तो ज़्यादा प्रीमियम पे करते हो, मानो या ना मानो एक बिटर ट्रूथ आपको मिलेगा। बाकी कोई तो दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, अल्ट्रोस का अच्छा है तो अल्ट्रोस उठा लो, ना ना भैया। ये देखो उस टाइप की गाड़ी है ना, आपको थोड़ा 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 हर कुछ मिल जाता है, ठीक है। आप अगर कोई शादी में जाते हो आप बस एक बटर पनीर या फिर बटर नान या फिर रसगुल्ला तो सिर्फ लेके अपना पेट नहीं भरोगे ना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेके टेस्ट करोगे और उसके बाद में अपना पेट भरोगे। ये गाड़ी भी बिल्कुल वैसे ही आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे देगी, ऐसा नहीं कि आपको एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाए। हाँ माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाती है बाकी गाड़ियों से आप कह सकते हो, बाकी ओवरऑल ठीक है। लेकिन कुछ फीचर्स की कमी इसमें आज महसूस होती है, वो सब मिल जाए तो ठीक है, मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करता है। तो यही था वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 10,000 लाइक्स, प्लीज़ पूरा कर देना और 10,000 सब्सक्राइब कर भी पूरी कर देना। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में तो आपको मिल ही जाएगा।
सो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गाड़ी सेफ चलाना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।